माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, शाम हो गई है और शाम होने से पहले ही माशाल्लाह से हमारे शादी वाले ख़ास मेहमान जी पहुंच गए हैं अपनी मंजिल मकसूद पर माशाल्लाह। नीचे नहीं, इधर ही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम भाई जान, क्या हाल है जी? ठीक है। और अस्सलामुअलैकुम, क्या अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? चले जी, बच्चा पार्टी भी मौजूद है। चले आ जाए। कितने बजे चले थे जी? साढ़े नौ बजे। पेट्रोल पंप पे गए, उधर पेट्रोल को आके फिर वापस आए, यानी कि 10 बज गए। अच्छा 10 बज गए। ये जी बच्चा पार्टी, सारे बच्चे। ये जा रहा है जी दरवेश खान। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। आपको खुशबू आ गई है? हाँ जी, वो ना गाड़ी का ना बंद पे हॉर्न बजा था, मैंने कहा चलो बच्चे तो पहले ही भागे जा रहे हैं, मैं कहा मैं भी साथ ही चली जाऊं। वो ना गली में। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक हो भाई? चलो ले तो आप ले चलो। बच्चा ने ना गली में शोर मचा दिया, हाय हमारी फुफो आ गई, हाय हमारी फुफो आ गई। हां जी, वो सारे निकले पड़े बाहर है। ले जी घर आ चुके हैं, ये देखें जी पैंट बुशेट वाले। हां जी, अब तो माशाल्लाह हेल्दी हो रही। हां जी माशाल्लाह से। सही है भाई, जा रहा है भाई, कह रहा है हल्दी और सब का मैं देख लूंगा फिर। हां सही है माशा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक हो? हां जी ठीक है। आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। और क्या कर रहा? अच्छा क्या कह रही थी? अच्छा बता, मैं बताऊं क्या कर रहा है? आओ बाहर चलना है। अच्छा क्या कह रही थी? जो खाया पिया सब निकल गया। निकल? हाँ जी सब निकल गया, जो भी था। बच्चों ने बहुत बुरा हाल किया। भाईजान थोड़ा खिला देने तो सारा खा के पूरी गाड़ी का सत्यानाश कर रखा। नहीं नहीं, गाड़ी को खराब नहीं होने दिया। अच्छा मैंने भी किया। कसर आपने भी नहीं छोड़ी है? अपने भी, आपने भी अपना हिस्सा शामिल किया। देख देख के ना फिर मेरा भी दिल खराब होने लगा। आपका भी दिल कर गया? मैं भी मेरा भी दिल कर गया। चलें जी फिलहाल, क्योंकि बहुत दूर से सफर करके और बहुत लंबा सफर था, अभी पहुंची हैं सिस्टर। हाँ जी, 4 बज रहे हैं। जी जी दिखाएं घड़ी। 4 बज रहे हैं, 4:10 हो गए। अच्छा टाइम देखना आ गया, माशाल्लाह। चलें जी, अब ये है कि आप ना चाय बना लें, ठीक है? उसके बाद ना चाय से ये होता है कि ना थकावट उतरेगी, उसके बाद जो है ना फिर खाने का इंतजाम करते हैं, ठीक है? अभी तो फिलहाल मैंने समोसे बोतल मंगवाई है, अभी इब्राहिम को फोन करती हूँ, वो दूध भी लेते आएगा, क्योंकि दूध खत्म हो गया चाय के लिए, दूध भी नहीं है और पत्ती के लिए। चले जो भी करना है जल्दी करना है, ठीक है? यहाँ पर जी भाभी जी ने हमारे लिए समोसे मंगवाए हैं। क्यों भाभी है, क्या आपने इतना क्यों किया? मतलब कब क्या आप आते हैं? वो कह रहे हैं ना, तो ये ना हमने कहा आप सुपर से आएंगे ना। हाँ जी, तो खाना वगैरह तो खाया नहीं जाएगा, हमने कहा चलो। ये चटनी है। हाँ जी, और ये मीठी चटनी है, मुझे लग रहा है मिर्ची वाली है ये। हाँ जी, बहुत अच्छा, ज्यादा स्पाइसी है ये, जरा ना कम स्पाइसी है। अच्छा हाँ जी, मुझे यहाँ के समोसे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो चिकन वाले होते हैं ना, वहाँ नहीं मिलते, उधर मिलते हैं, दूर दूर मिलते हैं वो ना। फिर वो इब्राहिम को मैंने भेजा, मैंने कहा वो नान पकौड़ा ले आओ, कहने लगे भाभी नान पकौड़ा रहने तो वैसे ही सफर से ना बाजी और उल्टियाँ करते हैं। नहीं नहीं अच्छा किया नहीं मंगवाई, ये भी आपने बहुत वो कर दिया, नहीं ना मंगवाते कुछ भी नहीं। खाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे अंदर, उधर जैसे ही हमने खाया वैसे ही तबीयत खराब होती है हमारी। चलो हमने कौन सा ज्यादा किया, बोतल और सिर्फ हमने समोसे मंगवाए, बच्चे अपना लगे पड़े खेलने। हाँ नहीं, बच्चों को तो समोसे इधर नुकसान ना दे जाए, मैं तो कह रही हूँ नहीं देते नुकसान। चलो ठीक है, साथ है ना तो ये नुकसान नहीं देंगे। हाँ जी, मैं ना बस थोड़ा सा खाना, मैंने ना पैनाडोल की दवाई खानी है, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है ना।
जी इस वजह से। चले ठीक है, आपने कर लिया माशाल्लाह से चने। हाँ जी। और इधर स्प्राइट की बोतल मंगवाई हुई है। हाँ जी, स्प्राइट की मंगवाई है मैंने बोतल। हाँ जी, मैंने कहा चलो आप स्प्राइट की है ना, मैंने कहा गोरमा ना लेके आना, पूछा था भाभी गोरमे की मैंने लेके आनी है दूसरी, मैं कहा नहीं आप स्प्राइट लेके आना, मैं कहा भाई स्प्राइट पीता है गोरमे की नहीं पीता, और इब्राहिम लेके आ रहा था समोसा है ना छापना। अच्छा चले कोई बात नहीं, बचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। यहाँ पे जी नाश्ते को ढक दिया गया है क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। नाश्ता आपने कर लिया है? हाँ जी शुक्र अल्लाह कर लिया। और भाई इमरान रात गए हुए थे शादी वाले घर, वहाँ से काफ़ी जो है ना हल्ला गुल्ला करके 1 बजे पता नहीं 1:30 बजे आए हैं, थक गए थे तो सो गए थे, अब उठे हैं। मैंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है और दवाई जो खाते हैं एक गोली वो भी मैंने अब खा ली है। और आपने भी अच्छी तरह से नाश्ता कर लिया? चले माशाल्लाह, अब तो तलब नहीं है ना, अब कल को इस टाइम नाश्ता करेंगे। नाश्ता मतलब हाँ भाई, कल को इस टाइम नाश्ता करेंगे ना। हाँ जी। और जी चाय पता करते हैं, मेरे ख्याल बन गई होगी, चाय बन गई है? अच्छा वो नीचे पड़ी है, नजर नहीं आ रही ना मुझे। हाँ जी। वो कोई प्लेट कोई नहीं, कुकर गिन के बह गई है। नीचे कर लूं? क्या नीचे कर लूं? चावल कुकर में, इसलिए वो दाल थोड़ी सी थी ना, सिर्फ कुकर में लगी हुई थी दाल और खत्म हो गया था ना सालन, फिर मैंने कुकर में चावल डाल के ना उसको गर्म कर। बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अच्छा चलें जी, मैं चाय लेकर चलता हूँ मिस्त्री भाइयों के पास और आपको काम भी दिखाता हूँ क्योंकि कल हमने गिफ्टों की वीडियो लगाई थी ना, यामना सिस्टर की वीडियो लगा सके ना ही घर की वीडियो लगा सके, भाई कहाँ तक काम पहुँचा है। अब जा के देकर आता हूँ चाय और आपको काम जो है शुरू हो गया होगा वो भी दिखाते हैं कि काम तक पहुँचा हुआ है। और फिर आपने वो जो है अपना इब्राहिम भाई गया हुआ है, आपने मिस्त्री भाइयों का खाना शाना बना लेना है और फिर आपने वो ऑफिशियल करवाना है, जो करवाना है पार्लर में जाना है। हाँ पार्लर भी जाओ, ऑफिशियल भी कराओ, सारा कुछ पाउडर सुर्खी जो नहीं, मिस्त्री भाइयों का खाना वगैरह बना के उधर पहुँचा के और जो भाभी और भाभी को खाना वगैरह खिला के बर्तन बुर्तन धो के फिर आराम से इजी होके जाएंगे, ताकि उधर से हम आए ना हमें कोई टेंशन ना हो, क्योंकि वैसे हम ऑफिशियल वगैरह करवा के आएंगे, आके फिर हम काम में लग जाएंगे, फायदा फिर करवाने का। सही बात है। प्लाट पे जी मैं आ चुका हूँ और कल रेत की ट्राली आई थी कुछ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मिस्त्री भाई जो है अपनी मेहनत से जो है माशाल्लाह काम को कंप्लीट करने की तरफ गामजन है। चाय लेकर मैं आ गया हूँ और बड़ी मुश्किलों से 3 ट्रालियाँ कल पहुँची हैं हमारे पास, अल्लाह करेगी और भी जो है ना ट्रालियाँ आ जाएंगी। काम आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चारों दरवाजे हमारे रूम के लग चुके हैं। ये लो बेटा, और काम शुरू हो गया है दोबारा से। और अभी रेत वाले को फ़ोन करता हूँ, पता करता हूँ कि वो ट्रालियाँ पहुँचानी है कि नहीं पहुँचानी, या फिर किसी और को कहें, क्योंकि रेत आएगी तो रूमों के अंदर जाएगी फिर तसल्ली होगी। अब ये रेत तो अभी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह खैर करता है। और बिलाल बेटा ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मकबूल भाई आप सुनाओ, उस्ताद मोहतरम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके जो है यहाँ से अपनी मेहनत का पैसा लेकर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कभी इनके साथ फ़र्क नहीं किया, मालिक और मुलाजिम वाला तो यहाँ पे बात ही नहीं है ना, सब ही मालिक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम फ़कीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, तो हमने कभी इस चीज़ का गुरूर तकबर नहीं किया। मैंने सबको अपने फैमिली मेम्बर समझा हुआ है, माशाल्लाह सब मिल जुल कर जो है ना इस घर को बनाने में लगे हुए हैं कि भाई जल्दी से ये घर बन जाए, आप लोगों के तआवुन से इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये आपकी मेहरबानी है, आपकी जो है नज़र करम है, आपकी ही ये शफकत से माशाल्लाह ये घर बन रहा है। मुझ में ना इतनी ताकत है ना कसद है, ताकत तो अल्लाह पाक को ही, अल्लाह पाक ही सबको रिस्क देता है। आपकी मोहब्बतों से ये माशाल्लाह जो घर है एक दिन कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ पे आकर शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मेरे ने चाहा तो। और ये देख सकते हैं बिलाल भाई हैं, ये फूफो के बेटे हैं, ये सुबह सुबह जो है अजानों के टाइम उठते हैं, पहले अपनी ईंटें बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ, फिर वहाँ से जब फ्री हो जाती हैं फिर यहाँ पे अपनी मोहब्बत से आके जो काम वगैरह है करवा लेते हैं। तो हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है कि भाई किसी तरह ये घर बन जाए। तैयार हो चुके हैं, शुक्रिया पाजी खोलने लगी है दम। हाँ जी, क्योंकि हमने सब
सारे कुछ तैयार कर लिया, फिर वो जारा के भाई ने भेजा है, मोबाइल फ्लैट पे है वो, तो कहने लगे हैं भाई जो ये चावल का दम खोलना ना, तो आप उसकी वीडियो बना लेना। तो हमने मैं दम खोल रही हूँ माशाल्लाह से कलर तो बहुत ही प्यारा शुक्रिया वर्दी आया चावलों का, लेकिन ना आपके चावल ना दो कलर के बनते हैं, मैं प्यार मोहब्बत दो किस्म का मिक्स करती हूँ ना, तो इसलिए नहीं आप दो किस्म का नहीं मसाला मैं बना के देती हूँ ना, इसलिए मेरा और आपका प्यार ज्यादा मिल जाता है, मिल जाता है, दोनों बहनों का ना प्यार ना शामिल हो जाता है। हाँ जी, तो क्योंकि मिस्त्री भाइयों को पहले भी हमने चावल बना के दिए थे ना, उन्हें मजे के लगे थे, वो कहे थे जो बिलाल भाई है ना, बिलाल भाई कहा था भाभी हमारा पेट भर गया था, हमारी ना नियत नहीं भरी थी, इतने मजे के चावल बने हुए थे, मैंने कहा ठीक है। तो फिर आज वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हाँ जी, मशीन लगाई हुई थी, फिर भाभी और आए हुए थे, फिर आपको पता काम फिर ज्यादा था, इतवार का दिन है जी, इतवार का तो वैसे ही बहुत भी काम का बहुत है, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं कहा था ना फिर दोबारा ना मिस्त्री भाइयों को ना आलू वाले चावल बना के ना वो खिला देते हैं, और रायता भी बनाया जारा ने, रायता बना के जारा ने फ्रिज में रख दिया। हाँ जी, वो ना क्या नाम उसका सुबह ना वो भाभी मेरे साथ लगी थी ना, तो मैं फूकनी से ना फूक मार रही थी, तो भाभी कहती जारा आप ना ये फूक ना मारा करो इसमें, इधर दो मैं मारती, मैं कहा चले ठीक है आप मार ले। हाँ जी, तो इसलिए बस चावल हमारे तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी हो गया है, और चावलों के ऊपर ढकना ढकते हैं, रुपया सिस्टर भी आई हुई है हमारे पास, और हाँ जी सिस्टर ने जाना था पार्लर हमारे साथ जी, मैंने कहा पहले जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें खाना खिला देते हैं, मिस्त्री भाइयों का खाना भेज के ना फिर बर्तन हाँ वगैरह धो के फिर जाते हैं इजी हो के ना, तो ताकि हमारा जो पार्लर का काम है ना वो हो जाएगा, और घर का काम फिर हमारा दोबारा आके करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तीन जनी है ना शुक्रिया बर्दी, तो उधर ना टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, फिर वो कोई या सिस्टर ने भी फेशियल वगैरह करवाना है, फिर मैंने भी करवाना है, फिर आपने भी करवाना है, भाभी गई भी थी उधर, मैं भी बेटी और के पास, हाँ जी, और कोई या सिस्टर के पास, कोई या सिस्टर कह रही मेरे पास से होके चली गई है भाभी जी, तो फिर वो उधर गई है मैं भी बेटी और के पास, तो अब मुझे लगता है आ गई है भाभी कमरे में है, तो मैं पहले चाय बनाती हूँ मिस्त्री भाइयों के लिए। हाँ जी, बाजी रुकैया के लिए भी बना लेना ना, भाभी और के लिए भी, फिर साथ ही बन जाएगी ना चाय, शुक्रिया बाजी, खाना दे के ना साथ ही चाय भी दे देंगे। हाँ जी, चाय भी दे देंगे, फिर साथ ही बर्तन बुर्तन धो के अपना हम पार्लर में चले जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि माशाल्लाह फिर चावल जो उनसे थोड़े बहुत बचेंगे हमने फिर वो शाम को कर लेना है, क्योंकि भाभी ने तो चले जाना है ना शाम को, हाँ जी, फूफो के घर, फूफो के घर शादी वाले घर में जी, तो भाभी कहती थी फिर हम उधर ही रहेंगे, तो रात इसलिए रहे हैं, उन्होंने कभी थकावट वगैरह इधर उतर जाएगी ना, तो इसलिए उस सुबह को ना इजी हो के। हाँ जी, यासिन तो कह रहा था आशा जी हमने नहीं जाना उधर, हम जाएंगे ना तो आ जाएंगे, हमने ना आपके पास ही सोना है, मैं कहा चलो ठीक है सो जाना आप इधर ही, कहता आपके कमरे में ना बड़ी अच्छी नींद आती है, नींद आती है, अब देखो हाँ किधर चला हुआ है। हाँ जी, ये देखो कह रहा था आशा मोबाइल मुझे दे दो मैं बनाता हूँ वीडियो। किधर चल रहे हो, गिर जाओगे, नीचे उतरो, ऊपर उसका गुब्बारा अटक गया था, वो ना अली अकबर बलून ले रहा था ना, तो वो दरख्त में अटक गया था, वो उसको उतार के दे रहा था। चलें ठीक है, अब मैं पहले चाय बनाती हूँ सिलेंडर पे, क्योंकि आग इधर बुझ गई है, सिलेंडर पे चाय बनाते हैं, चाय बना के ना फिर थर्मस वगैरह मंगवाते हैं, फोन करती हूँ, तो फिर खाना उधर भेजते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, अपना काम से फारिग होकर ना फिर चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर है ना बात, भाई जितनी जल्दी हम काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी फिर। हाँ जी, क्योंकि सुबह से ना फिजा जाना मेरे से भी पूछ रही हैं वो मौसी जी बाजार कब जाना है, क्योंकि उनकी जूतियाँ भी लेनी है, अभी ना चूड़ियाँ भी लेनी है, अभी काफी सामान आना है, अभी तो तैयारी हुई नहीं, आपकी तो हो भी गई है थोड़ी बहुत, मेरी तो हुई ही नहीं अभी। हाँ जी, आपकी तो भी हुई नहीं, क्योंकि मेरी तो थोड़ी बहुत हो गया, बस वो आज ये पार्लर का काम खत्म करते हैं जी, परसों फिर बाजार का काम खत्म करते हैं, क्योंकि फिर आपको पता दर्जन में कपड़े वगैरह सी के भी देने, पता नहीं एक दो दिन में सी के देगी या नहीं। हाँ जी, वो पिज्जा मुझे कह रही थी, कहती वो जो सर्दियों का सूट लिया था ना मैंने, तो कह रही थी मौसी आपका भी सिल गया और ना अम्मी का भी सिल गया, हमारे रह गए कपड़े, वो कह रही मेरी ना मशीन खराब होगी, मैं कहा उसको को हमें नहीं पता, हमें ना कपड़े सिलाई करके दे। हाँ चलो, पहले हम चाय वगैरह बनाते हैं ना, हाँ पार्लर से होके आते हैं फिर दर्जन के पास जाते हैं। माशाल्लाह से कपड़े मैंने सब धो लिए हैं, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा, आज ना काफ़ी देर हो गई थी कपड़े धोते धोते, और हाँ कहिया सिस्टर और को खाना वगैरह खिला दिया, अब बस। हाँ जी, बस मैंने थोड़ी सी कहा था बनकर, क्योंकि नाश्ता मैंने लेट किया था, ये तो चावल है, अभी हम जब पार्लर में जाएंगे ना वो जाते जाते हजम हो जाएंगे।
नहीं नाराज की क्या बात है, वो तो कहते हैं ना पेट में जितनी चीज आनी चाहिए उतनी चीज डालनी चाहिए। हाँ जी, और इधर बच्चा पार्टी सब बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और भाभी भी आ गए। भाभी भी खाना खा रही हैं। भाभी कैसे हैं चावल? बहुत मजे के बने हुए हैं, टेस्टी चावल बने हुए हैं, चटपटे, मेरी पसंद के। हाँ जी, हमने सुबह चावलों का नाम लिया था ना, भाई इमरान कहने लगे आज फिर तुम चावल बनाने लगे। मैं कहा नहीं, मिस्त्री भाइयों के लिए बनाने हैं ना चावल। मैंने कहा वो कपड़े वगैरह धो रहे हैं ना, फिर भाभी रोटी ना बनाते बनाते ना थक जाते हैं। सही बात है, हम जिस रात जा रहा और मैं सुबह लगे हुए तो हम सुबह को ऐसे हम दोनों ही बहने लगती हैं बनाते हैं, जल्दी काम हो जाता है। हाँ जी, पहले मैं सफाई वगैरह करती हूँ ना घर की, फिर बर्तन वगैरह धो के फिर जारा के साथ रोटी वगैरह नाश्ते की ना बना लेते हैं, फिर मिस्त्री भाइयों के भी सालन बनाते बनाते ना फिर वही टाइम हो जाता है। नहीं, बहुत मजे के चावल बने हुए हैं, जिस बहन भाई ने खाने हैं तो आके खा सकते हैं, जब बहन भाई जब आएंगे फिर तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर नहीं बना देंगे ना चावल। हाँ जी, ये तो है। और मिस्त्री भाइयों के लिए चाय मैंने बना लिया। जारा डब्बा फुल भर दो। मैंने कहा वो अगर कम होएंगे ना फिर ले जाएंगे। मैंने पिछली मरतबा भी ये डब्बा फुल भेजा था, भर दे। हाँ जी, ये डब्बा भर दे, क्योंकि माशाल्लाह आज फिर उधर काफी जी है ना खाने वाले। भाई इमरान भी है, भाई बिलाल भी है, आपके भाई भी हैं। मैंने हैदर को कहा अगर और जरूरत पड़ी ना तो आके ले जाना। हाँ जी, वो आपके पास सही है, फिर भी एक ये ना डब्बा भर दे। डब्बे के अंदर खाते हैं या नहीं? रल मिल के खाते, रल मिल के खाते है ना, प्यार बढ़ता है ना फिर इसी के अंदर खाने लग जाते हैं। घर वाले भी लग जाते हैं, फिर हैदर भाई सब लग जाते हैं, चम्मच वगैरह ले जाते हैं ना, दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, वो ऐसे होना ही चाहिए। हाँ जी, सही बात है। चलो फिर आप भी आए हमारे साथ। ना मैं तो खाने नहीं है, मैंने बस सुबह चावल लिए थे वो मैंने खाए नहीं है, दो तीन चमचे खाए हैं। जब आपके भाई ने व्लॉग शुरू किया था ना तो मैं कुकर में लगी हुई थी चावल खाने, वो फिर मैंने दो तीन चमचे खाई हैं, मैंने पिज्जा पेटी को जानापुर को दे दिए थे। हाँ जी, अब सही है, क्योंकि अगर थोड़े होंगे ना फिर वो आपके भाई ना और मंगवा लेंगे। शाम जी हो चुकी है और माशाल्लाह से आज जो है काफ़ी सारी जो ट्रालियाँ हैं मिट्टी की आई हैं। कितनी ट्रालियाँ आई हैं? मेरे ख्याल आठवीं ट्राली जो है ये आज हमारी, अभी ये भाई उतार के जा रहा है, नौवीं ट्राली जो है, सॉरी दसवीं ट्राली, दसवीं ना भाई, दसवीं ट्राली जो है ना अब थोड़ी देर के बाद आएंगे तो हमारी आज ये 10 ट्रालियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तीन वो डाल के गए थे कल, 7 आज हो जाएंगे, 10 ट्रालियाँ हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त आज मिट्टी का काम हो गया है। अभी अली हसन के दोस्त, अहमद अली के दोस्त सब आएंगे और वो जो ये वाला जो रूम है इसकी तो रेत मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट भर्ती वगैरह हो चुकी है। ये वाला रूम और दरमियान वाला रूम जो है ये अभी खाली पड़े हैं, अभी दोस्त आएंगे वो लगेंगे साथ, और उनके लिए चावलों चावलों का इंतज़ाम किया है। मैंने कहा भाई आलू वाले चावल बनाएंगे और साथ में चटनी छटनी खाने का इंतज़ाम करेंगे, तो सब दोस्त मिलके जो है ना दोनों रूमों में जो है ना भर्ती कर देंगे और कुछ रेत जो है ना साथ साथ करके आगे करके लगा देंगे, तो ये काम ज़बरदस्त हो जाएगा। माशाल्लाह से रूमों की सारी दीवारें जो है ना कंप्लीट हो चुकी हैं। माशाल्लाह से सुबह जो है ना बीम भरा जाना है, उसके बाद बीम के अंदर जो है ना सरिया डाला जाएगा। सिर्फ आखिरी वाले रूम की ये दीवार जो है यहाँ पर आके काम जो है ना रुक गया है, क्योंकि टाइम मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही ये कल हमारी दीवार यहाँ तक कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है ना जैसे ये आप ईंट देख रहे हैं ना, ये ईंट ये तेगा लगा दिया गया, इसके अंदर अब सरिया रखकर बजरी के साथ और सीमेंट के साथ जो है ना इसके अंदर भर्ती किया जाएगा और इसको भरा जाएगा। यानी कि सब साइडों से चारों के चारों जो है ना रूमों की साइडों पर ऐसे ही भर्ती कर दी जाएगी सीमेंट और सरिये के साथ, उसके बाद जो है ना ऊपर दोबारा से जो है काम शुरू कराया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक खैर करे। और क्या बात मैंने करनी थी, हाँ जी, दरवाजे जो हैं माशाल्लाह से ये भी सारे जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। हर रूम के अंदर एक एक विंडो लगी हुई है, इसके अंदर भी विंडो है, इसके अंदर भी विंडो है, इसके अंदर भी विंडो है, उसके अंदर भी विंडो है, चार विंडो लगी हुई हैं ताकि कमरा जो रूम है हवादार बना रहे। सामने वाला छोटा आप जो चुकाट देख रहे हैं वो हमने अटैच बाथरूम साथ में करवाया है। और सूरज गुरूब हो चुका है, घर पर जी कोई भी नहीं है और घर सुनसान पड़ा है, सिर्फ जो है आमना सिस्टर और भाईजान यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है? हाँ जी, किधर गए हुए हैं?
भाभी और फेशियल करवाने गए हैं, भाभी और रुकैया आपी और छोटी भाभी। अच्छा चलो, हक भी बनता है, फेशियल करवाना चाहिए। सारा दिन चूल्हे पे जो है ना, धुएं मिट्टी का काम है ना, इसलिए चलो ये है कि थोड़ा बहुत रंग गोरा हो जाएगा। हमने भी बैग पैक किया हुआ है, बस जाने की तैयारी कर रहे हैं, बस भाभी और का इंतजार कर रहे हैं। आपने तो नहीं जाना ना पार्लर? पार्लर से होकर आई हो क्या? ये है आपको देख के तो इसलिए तो जा रहे हैं। आजाबाद भी इसी में यही काम कर रहे थे, दो दो तीन तीन घंटे लगा के आने। आज इसकी भाभी गई ना, आज इसका गुस्सा चला, भाभी अब थोड़ी नहीं आई, भाभी अब थोड़ी नहीं आई। जब अपनी बारी थी, जब जब भाईजान को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, जब आपने तीन तीन घंटे लगाए थे। लड़की रखी भी होती हैं काफी ज्यादा ना, फिर एक उसका जल्दी जल्दी हेल्प करवा देते हैं, जो इन ये मुझे लग रहा के लिए नहीं, ये बड़े वाला फिशल है ना, टाइम लगता है इस पे। शाइयां निकले, शाइयां उतरेंगे। प्यारे बहन भाइयों, शाम हो चुकी है और व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आपसे लेते हैं इजाजत और आमना सिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो का व्लॉग का एंड कर दें। हाँ जी, ये थी जी हमारी आज की जबरदस्त व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और रजाइयाँ रात नहीं थी, बता देते हैं अर्जेंट से जो है ना, भट्टे पे रजाइयाँ मंगवाई, क्योंकि बच्चा पार्टी आई हुई थी। आमना सिस्टर, रजाइयाँ अच्छी हैं भाई? बहुत अच्छी हैं, मेरे पाँव इतने जल्दी ठंडे यानी कि गर्म होने वाले नहीं, आधे घंटे में ही गर्म हो गए। हाँ, मुझे कह रही थी रजाइयाँ रजाइयाँ रजाइयाँ, मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब देखा कि रात बिल्कुल सर्दी अपना रजाइयों की तो जरूरत है, फिर मैंने फौरन से भेजा, मैंने कहा जाके जितनी रजाइयाँ जरूरत है ना वो फिर ले आए। अब ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि घर में इस्तेमाल हो गई, क्योंकि इस्तेमाल वाली चीज़ मैं आगे देता नहीं। दो जो हैं इफ्तिखार माँ जी की तरफ से शुक्रिया को दे देंगे, और दो रजाइयों जो हैं मैदी भाई जो हैं हमारे उनकी तरफ से ज़ारा को दे देंगे, चार रजाइयाँ ये रख लेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे सिस्टम वगैरह। बहरहाल अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।